अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम रावल रियाज और आप देख रहे हैं क्विक स्टार्टअप्स। ये तो आज हम देखेंगे कि मल्टी लेवल क्विक ऐप कैसे बना सकते हैं। इसकी काफ़ी देर से रिक्वेस्ट आ रही थी, सो फाइनली ये बन चुकी है। कि मल्टी लेवल क्विक ये होता है कि उसमें पहले जब एक लेवल कम्प्लीट करना होता है, फिर सेकेंड कम्प्लीट करना होता है, फिर सोन जितने लेवल आप बनाने चाहें तो वन बाय वन होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले डेमो की तरफ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई स्क्रीन आएगी, उसके बाद हमारे पास यहाँ मेन स्क्रीन आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ऊपर सबसे पहले एक लेवल का दिया गया है किस लेवल पे हैं, क्योंकि जो लेवल अनलॉक होगा वही वहाँ पे शो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पर हर लेवल पर जो एक स्कोर की लिमिट रखी गई है, जब इतने स्कोर आप उसमें क्यूज कम्प्लीट करने के बाद अगर विन कर लेते हैं, इतने स्कोर बना लेंगे तो नेक्स्ट लेवल जो ओपन हो जाएगा, तो स्कोर भी अपडेट होंगे और साथ ही लेवल भी अपडेट होगा। अब नीचे यहाँ मैंने 12 लेवल्स बनाए हैं, 12 बटन्स दिए गए हैं। आप चाहें तो इन पर इमेज भी लगा सकते हैं, लॉक वाली या कोई भी आप जो है क्लिप आर्ट लगा सकते हैं जो आप लगाना चाहें। इसमें अब क्या होगा, सबसे पहले लेवल वन है, अब अगर लेवल टू में ओपन करता हूँ तो यहाँ आपको नोटिफाई होगा यू नीड 5 स्कोर्स टू अनलॉक दिस साइकिल। ठीक है, इसी तरह अगर मैं किसी 5 पे करता हूँ तो यहाँ पर इसको 20 स्कोर चाहिए उसको अनलॉक करने के लिए। अब हम फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है तो फर्स्ट पर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लेवल होता है वो हमेशा ओपन होता है ताकि नेक्स्ट लेवल ओपन हो सके। इसके अलावा इसमें अभी सब 12 मैंने जो है लेवल ऐड किए हैं, अब जितने चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अगर आप देखना चाहते हैं मेरी क्विज वाली ऐप कैसे बनानी है तो वो मेरी ऑलरेडी काफ़ी स्टार्टिंग की वीडियोस जो मेरे चैनल पर पड़ी होंगी, यहाँ प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं क्विज ऐप्स से एक बनी हुई प्लेलिस्ट, उसमें सारी क्विज वाली ऐप्स ऐड की गई हैं, उसमें डिटेल से ट्यूटोरियल है। तो चलिए फर्स्ट लेवल हम ओपन करते हैं। मैंने फर्स्ट लेवल पे ओपन किया और यहाँ पे हम चले गए हैं मेन क्यू स्क्रीन पे। आप देखें यहाँ पे हमारे ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, किस नंबर पे टोटल कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, और ऊपर क्वेश्चन दिया गया, नीचे इसके चार ऑप्शन हैं मल्टीपल चॉइस। इसमें अभी हम इसको खेलते हैं, मे बी कि हमारा कोई सही हो जाए। एक ये सही हो गया है, ठीक है, इसके बाद ये भी ठीक हो गया है, 4:1 है और 5F है, ठीक है, इसके बाद 0 हो गया। अभी क्योंकि मुझे तो थोड़े बहुत इसके आंसर याद है, इसलिए मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके जल्दी प्ले कर रहा हूँ। देखिए अब 6 स्कोर हो गया और मैं इसको एंड पे चला गया और स्कोर हमारे ख़त्म हो चुके थे। तो आपको एक जब क्विज ख़त्म होगा तो एक डिसीजन ऐड आएगा, क्लोज करने के बाद आप ये स्टैटिस्टिक्स स्क्रीन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट बताया जाएगा टोटल क्वेश्चन कितने हैं, अटैम्प्ट कितने हो गए, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, मार्क्स और ऑब्टेन। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से बैक जा सकते हैं। और अभी ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये स्कोर जो है TDB में स्टोर हो रहे हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। या अगर आप क्लोज वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो भी इनिशियलाइज होकर यहाँ पे आएगी। देखिए अब स्क्रीन 6 हो गई और स्कोर जो है 6 हो गए हैं और लेवल 2 हो गया, लेवल 2 ओपन भी हो चुका है। और 3 पर जाएंगे 3 ओपन नहीं होगा। इसी तरह आप 2 पर जाते हैं 2 हम प्ले कर सकते हैं बड़ी ईजीली। यहाँ पे स्कोर गेट करा, देखें सेकंड लेवल जो यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट आ गए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको बताता हूँ कि आप इस तरह की ऐप कैसे बना सकते हैं और ये लेवल सिस्टम आप कैसे अपनी ऐप में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ मेरे पास सबसे पहले सरप्राइज स्क्रीन है, इसको मैं फिलहाल डिसेबल कर देता हूँ और इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से मेन स्क्रीन को। यहाँ पर देखें सिंपल एक वर्टिकल स्क्रीन है और दो पर डिफरेंट लेवल दिए गए हैं, एक स्कोर के लिए और एक जो है उसके लेवल के लिए। ठीक है, निचली जो है फर्स्ट लेवल ही हम दे रहे हैं क्योंकि फर्स्ट लेवल ओपन है। उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेट में 3 बटन्स दिए गए हैं और ये टोटल इस तरह के 4 हॉरिजॉन्टल लेआउट है मेरे पास, उसमें 12 बटन्स ऐड किए गए हैं। जो लेवल्स वाला काम है सारा फर्स्ट स्क्रीन पर ही, इससे पहले हम चले जाते हैं यहाँ पर अपने एयर टेबल में, कि यहाँ पे जो हमारे पास क्यूज़ है मल्टी लेवल क्यूज़ का, मैं टेबल जो बनाया हुआ है वो आपको मैं दिखा दूँ। इंटरनेट थोड़ा स्लो है इस वजह से लोडिंग में थोड़ा इशू आ रहा है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप क्यूज़ वाली देखें, उसमें मैंने बड़े डिटेल से बताया हुआ है कि आप कैसे क्यूज़ ऐप को बना सकते हैं। तो इसके लोड होने तक हम वापस चल जाते हैं यहाँ पर अपने कोडलर सेक्शन में। ठीक है जी, यहाँ पे हम चलते हैं ब्लॉक्स में ताकि आपको बता सकूं कि लेवल सिस्टम कैसे बनेगा। लेवल सिस्टम में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपने इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। जैसे कि मैंने कंडीशन लगाई हुई है सेकंड बटन पे कि मैंने 5 स्कोर उसमें एटलीस्ट विन करेगा यूज़र तो नेक्स्ट लेवल ओपन होगा।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले स्क्रीन इनिशियलाइज हमने लगाया हुआ है कि यहाँ 1080p में ऐड किया हुआ है स्कोर की वैल्यू। अगर तो स्कोर वाली जो वैल्यू है वो एम्प्टी होगी, खाली होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू में जीरो स्टोर कर देंगे, क्योंकि ये तब होगा जब आप फर्स्ट टाइम स्क्रीन को ऐप को ओपन करेंगे, तब ये फर्स्ट टाइम एम्प्टी होगी। उसके बाद सारी बात अगर आप ये स्कोर विन करेंगे तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये क्या करेगा, जो भी इसमें वैल्यू स्टोर होगी, अगर ये खाली नहीं है, इसके अलावा फिर अगर जो वैल्यू 1080p में स्टोर हुई हुई है वो स्कोर लेवल पर शो हो जाएगी। और 1080p की वैल्यू हम कहाँ से स्टोर कर रहे हैं, ये हम स्टोर कर रहे हैं किस स्क्रीन से, ये आपको मैं बाद में बताऊँगा। पहले हम जो है इसकी फर्स्ट स्क्रीन पर देख लें, मेन स्क्रीन पर कैटेगरीज कैसे हमने बनानी है। इसके बाद देखें अब यहाँ पर ये बटन्स की कंडीशंस लगी हुई हैं, एक है इफ़ बटन, ठीक है, ये अब सेकंड बटन पे हमने लगाई होंगे। फर्स्ट बटन हमारा ओपन है, फर्स्ट लेवल उस पर हम नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ जो स्कोर लेवल का टेक्स्ट है वो इक्वल या ग्रेटर देन है 5 से, ठीक है, अगर तो इक्वल या तो इसके 5 के इक्वल होगा या तो इससे हायर होगा, तो ये क्या होगा बटन 2 को उसका जो है बटन 2 का बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देगा और लेवल नंबर जो है वो 2 कर देगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हम इसका यहाँ पर सिर्फ कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बटन 3 का भी हम इस तरह कर रहे हैं कि वहाँ 10 की हमने लगा दी कि तीसरे लेवल पर 10 स्कोर होने चाहिए, और इसी तरह से जो है 4 वाला है उस पर 15 की लगा दी, मतलब सो ऑन जितने भी बटन है हमने 5 इनक्रीज करके सब में ये कंडीशंस लगा दी, एंड तक जितने 12 लेवल से तो 12 के पे हमने सब कंडीशन लगा दी, एंड तक जो है 55 स्कोर होंगे तो वो 12 लेवल ओपन हो जाएंगे। अब सिंपली यहाँ देखें, ये तो हो गया कि हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं और लेवल नंबर को उसी हिसाब से अपडेट कर रहे हैं स्कोर लेवल के साथ, ठीक है। अब यहाँ बटन क्लिक फर्स्ट वाला है वो तो ऑब्वियसली के ओपन है तो वो प्ले हो जाएगा। अब देखें ये यहाँ पे मेन चीज़ आ रही है, मेन कि यहाँ पे फिर वही कंडीशन लगाई हुई है जो कि हमने वहाँ कलर चेंज होने के लिए लगाई थी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट लेवल ओपन करने के लिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे देखें अगर तो बटन पे क्लिक होता है 2 पे, अगर तो वो स्कोर लेबल के जो टेक्स्ट है उसके इक्वल 5 के इक्वल है या उससे हायर है तो क्या कर देगा, इस लेवल को ओपन कर देगा और स्क्रीन 2 पे चला जाएगा, इसके साथ स्क्रीन 2 पे लेवल 2 की वैल्यू के साथ जो कि टेबल से जो है लेवल 2 उसकी वैल्यू के साथ जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन पे। और अगर ये से नीचे है, ठीक है, इसके इक्वल नहीं है तो ये क्या करेगा, यू नीड 5 स्कोर टू अनलॉक दिस साइकिल, ठीक है, ये फर्स्ट साइकिल का हो गया। सेम इसी तरह से जिस तरह ऊपर हमने 5 इंक्रीज़ किए स्कोर में, सेम ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, इसमें मैं 10 कर दिए लेकिन यहाँ पे लेवल नंबर 3 हो गया। फिर लेवल नंबर 3 और 4 ये वो हैं, ये टेबल के नेम है डिफरेंट, ठीक है। ये स्टार्ट वैल्यू के साथ क्यों जा रही है आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे पता चलेगा कि स्टार्ट वैल्यू के साथ हम क्यों लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 15 यहाँ पे 4 आ गए तो 15 स्कोर चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको इंडिकेट भी करेगा 15 स्कोर चाहिए, अगर तो इसके इक्वल नहीं होगा इससे लेस होगा तो आपको ये इंडिकेट करेगा उस पर क्लिक करने के बाद। सो इसी तरह से पूरे 12 लेवल जो इसी तरह से बनाए गए हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, तो इसमें कोई इतना ख़ास काम नहीं है। और इसके अलावा आप चले जाते हैं हम स्क्रीन 2 पे, कि स्क्रीन 2 पे ये जो स्टार्ट वैल्यू सर जा रहा है वहाँ जाके ये क्या कर रहा है। तब हम चलते हैं स्क्रीन 2 पे, 2 पे जो हम आ गए हैं, ये बहुत ही सिंपल सी स्क्रीन है और मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, तो बजाय वहाँ टाइम वेस्ट करें तो आपको नई चीज़ जो मैंने ऐड की है वो बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1080p ऐड की हुई है यहाँ पर नीचे, ठीक है, ताकि उसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकें। यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन में हम जाएंगे और डिफरेंट ये ली गई हैं स्प्रेडशीट्स डेटा गेट करने के लिए वहाँ से एयर टेबल से। देखें यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज होगी स्क्रीन तो आपको एक नोटिफायर शो कर देगा और डाटा गेट करना स्टार्ट करेगा, इंटरनेट के लिए चेक करेगा इंटरनेट है या इसीलिए वेब गेट पे जा रहे हैं। जब गो टेक्स्ट हो जाएगा कन्फर्म होगा कि इंटरनेट है डिवाइस के अंदर तो क्या होगा। यहाँ पर देखें अब देखा यहाँ पर हमने जो एयर टेबल लिए गए उस पर मैंने टेबल नेम नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो स्टार्ट वैल्यू के साथ हमें मिल रहा है, बजाय कि मैं यहाँ पे अगर 12 लेवल तो 12 स्क्रीन डिफरेंट जो है इंटर करूं तो मैं ये 12 लेवल्स हों या 100 लेवल्स हों तो इन दोनों का काम एक ही दो स्क्रीन पे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेम वैल्यू के साथ वहाँ से आएगी टेबल की और यहाँ पे आके उसका डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें अब क्वेश्चन नंबर का टेबल था, टेबल नेम के साथ क्या कर दिया स्टार्ट वैल्यू, फिर ए टेबल था उसकी स्टार्ट वैल्यू, क्योंकि इसकी जो टेबल नेम है वो सबका सेम ही होगा तो इसीलिए हमने टेबल नेम जो है वो स्टार्ट वैल्यू का ही दे दिया और उसी से जाके वैल्यू उसकी ले रहा है, ठीक है। ऐसा करने के बाद वैल्यू गेट करता रहेगा और उसके वेरिएबल में स्टोर करता रहेगा जो कि हमने ऊपर बनाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आ जाएं तो यहाँ पे अब देखिए कंडीशन लगी हुई है, जो नेक्स्ट बटन हम रखा हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे हमने कंडीशन ये लगाई हुई है, ये बाकी सब तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है।
तो ये मुझे बताने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है इस वक्त। हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट बटन के साथ हमने क्या कंडीशन लगाई है। सो ये आ गया नेक्स्ट बटन। अब यहाँ पे ये वाली मेन चीज़ है, ये ब्लॉक। अब ब्लॉक जो हमने एक्स्ट्रा लगाया है इसके अंदर, इसमें क्या किया, जो मार्क्स लेबल का टैक्स था उस पर हमने क्या किया है कि अगर तो मार्क्स लेबल का टैक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है स्कोर से, ठीक है, तो जाके ये वैल्यू स्टोर करेगा। अब ये नहीं होगा कि अगर टोटल स्कोर उसके 5 हैं, ठीक है, ऑलरेडी, तो अगर वो 1 गेट करते तो भी जाके वैल्यू प्लस कर देते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसमें। अगर तो पहले वाले से हायर होगी तो ही जाके TDB में ये वैल्यू स्टोर होगी। TDB में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, स्कोर लेवल के साथ, एक तो जो ऑलरेडी वैल्यू है वो वाली वैल्यू, और जो फिर ये मार्क्स लेवल की, मार्क्स लेवल पर जो उसके मार्क्स आए होंगे उसकी जो वैल्यू है, दोनों को प्लस करके ये TDB में दोबारा से स्टोर कर देगा और आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो जाके अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ तक तो था ये इसका काम। वो आपको मैं एयर टेबल भी दिखा दूँ ताकि ये भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए आपकी। देखें ये यहाँ पे बने हुए हैं 12 लेवल्स। लेवल अब जब आप बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि जो कॉलम नेम होते हैं वो सेम होने चाहिए, ये उनके स्पेलिंग्स भी, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे 12 लेवल हैं तो आप चाहे यहाँ पे 100 भी ऐड कर लें तो कोई इशू नहीं है। तो ये देखें पहला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड ए सेक्शन ए उसका है, ऑप्शन का बी सी डी, और लास्ट पे आपने करेक्ट आंसर इंटर करना है और एंड पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ताकि इससे आगे ना जा सके। तो ये छोटी सी वीडियो थी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।